आर जी 24 न्यूज चैनल देख रहे सारे दर्शकों तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। मैं जसविंदर सिंह डांगियां, अज असीं खड़े हां जगराऊं झांसी राणी चौंक जिथे लोगों वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा है। फिलगां दे उत्ते लिखिया वा असीं जित्तांगे जरूर जारी जंग रखियो, यह हर वर्ग का नारा वा। जिस तरह गौरमेंट 3 काले कानून लैके आई आ उसके विरोध के इतने प्रोटेस्ट किया जा रहा, आपां इन्हां नाल गलबात करते हैं। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, जो अज प्रोटेस्ट कर रहे हो की कहना चाहते हैं इस बारे? असीं यह कहने जो धक्काशाही कर रहे हैं, काले कानून लैके आए वापस लो, ये पूरे सारे साडा साढ़े परिवार का साढ़े का रौला हैगा, ये कला है नहीं किसानों का रौला है, असं परिवार हैं ना कि अलग ना कोई जात पात, अभी कट्ठे रहने हैं। मोदी जी समझ लिया दिमाग तो महाराज पर्दा चको, एवं ना समैदान रली जाओ, एवं कट्ठे करी जाने किमें कट्ठे करेंगे, और कणक कट्ठी कर लेंगे दाल कट्ठिया कर लेनी है, महंगी हो जानी है, हूँ ही 70 रुपये मिलता है मक्की मिलती है, उत्तर 150 रुपये मिलती हैगी है, अलग अलग ने रेट का रखे गए हैं, होर कपने कट पेगा आ मंडी चलो कण की भा आटा की माँ मिलता है, ये आप ही परचे ला के अपने मुताबिक बेचते हैं, जो फसल आनी सस्ती कर देनी आने किसानों की फसल सस्ती होनी हो घट हो जानी है, जो बंद होगी फसल आनी इन्हें महंगे ने 150 गुना ने 100 गुना वध बिल कर देना इन्होंने लोगों के, ये मेरा नहीं मेरे परिवार सब मेरे परिवार का रौला है, ये कट्ठे हो गए काम चलो चलेंगे असी, यह मोदी टिक जा नहीं अस तो उपर हुक्म नहीं आया, जो हुक्म है तो नंगे पैर तो पवेंगे दिल्ली में, तू एक बार आवाज कह कहते भी नहीं करता दोबारा मूँह कह के दिखा एक बार फिर दसा तू किए हैं सू उपर हुक्म हो लाल गए झंडा कर देंगे लाल गए झंडा कर देंगे। जिस तरह भीर जी उत्थे दिल्ली के उत्ते किसान धरने के उत्ते बैठे आ हिंदू सिख सारे अज कट्ठे हो चुके आ, मुसलमान भाई भी नाल बैठे आ, जो अज जात पात धर्म सब तो वक् हो चुके आ, तो तुम की कहना चाहते जिस तरह आम पोलीटिकल लोग कह रहे बी उत्थे अतवादी बैठे आ जां खालिस्तानी बैठे आ, इस तरह का उन्होंने इल्जाम लाया जाता, की कहना चाहते हैं? बे ये गोदी मीडिया कह रही आ, तुसी एक करी गेड़ा लाया उत्थे तुहानू पता लग जू, उत्थे अपने हिंदू भरा भी बैठे आ, सरदार भी बैठे आ, उत्थे मुसलमान भी बैठे आ, सारे कट्ठे ही है जी, ये सिर्फ गल्लां ही आ, एक जिहड़ा गेड़ा नहीं लग जांदा उहदी धारना होर बनी भी आ, उह भी किहड़े चैनलां ने जिहड़े मोदी दे खरीदे होए आ, जे तुसी गेड़ा लाया होंगे तुसी आप ही मैनूं पुछना भी नहीं किसे नूं पुछना, क्योंकि तुहानू खुद पता लग जाणा उत्थे है की आ। मैं 2 दिन ला के उत्थे शांतमई चल रहा प्रोटेस्ट, पूरा शांतमई जी, उत्थे माहौल हैगा ला लो तुसी अमृतसर गुरुद्वारे जांदे आपां, अमृतसर गुरुद्वारे वाला माहौल आ, उत्थे थां थां लंगर आ, थां थां कीर्तन चलता पाया वा, थां थां ते गुरु के शब्द चलते पे आ, हुण ओह पुट्ठा कहन अतवादी कहन जो मर्जी, क्योंकि वह खरीदे हुए मोदी के चैनल वो कहणगे। जिस तरह हुण गौरमेंट कह रही आ अड़ी हुई आ, बीजेपी सरकार बोल रही है भी असी बिल वापस नहीं करांगे, पर किसान कह रहे आ भी असी बिल वापस करा के जावांगे, दोनों पासों ज्यादा, पर सरकार कह रही है असी ये बिलों के बिल सोध कर दिंदे आ, पर वो किसानों नूं मंजूर नहीं, उहदे बारे की कहना? देखो जी, जे बिल चलो सोध कर देंगे आ, अज सोध करता इहदा मतलब बिल आ गया, कल नूं सोध करके उन्हूं पुट्ठा भी कर सकते आ, जदों बिल रहूगा ही नहीं, वो एक कहावत जी हुंदी आ ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसरी, नाले हुण तां हिंदू भरा नाल उठ खड़िया, पहलां तां सी जी जट्टां दा मसला किसानां दा मसला, हुण इह पंजाब दा मसला, हुण देखदे हो आह 90% हिंदू खड़े आ विच, इहदे किसान जथेबंदी दा कोई नहीं, हुण हिंदू नाल तुर पिया ना, हुण जे सारा पंजाब तुर पूगा किवें उह कह देणगे नहीं करना, करना ही पैना, जाके बार्डर ते देखिया उहनां नूं करना ही पैना, आए आ भी हुण एक राजा हुक्म दे दिंदा बड़ी उहदी भी निखेधी भी हुण मैं किवें वापस लवां घर दा, जिवें मेरा डैडी हुई कहदे भी कपल आ कम करना, मैं कहां मैं नहीं करना, एडी जल्दी तो नहीं मनना उहने। हुण की कीता कल बीजेपी दे कुछ वर्कर उत्थे बैठ के धरने ते बैठ के भी सानूं एस वाई एल दा मुद्दा उहनां ने उठा लिया वा, की उहनां ने किसानां दे अंदोलन नूं कमजोर करन दी खातर उठाया? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਏ ਆ ਉਹ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ 40 ਕੁ ਜਣੇ ਸੀ, 50 ਕੁ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਏ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਭਜਾਏ ਆ ਉਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਸਟਾ ਦੇਖੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਲੋਕ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਆ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਡਾਂਗੀਆਂ, ਆਰ ਜੀ 24 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ।